गर्मी के बचाव के लिए बहुत कुछ रामलला को दिया जाता है, जैसे भोग लगने के लिए इसमें नारियल के पानी है, उसके बाद लस्सी है, दही है, दही दिया जाता है कि भगवान को जो भोग लगे गर्मी में वो किसी प्रकार के इसका प्रभाव न पड़े। जो ठंड वस्तु है भोग लगाने के वो गर्मी में दिया जाता है, जो गर्म वस्तु है वो ठंडी में दिया जाता है, इसी प्रकार की है उनकी व्यवस्था। गर्मी के बचाव के लिए बहुत कुछ रामलला को दिया जाता है, जैसे भोग लगने के लिए इसमें नारियल के पानी है, उसके बाद लस्सी है, दही है, और इसी प्रकार से ठंडई है, ये सब कुछ दिया जाता है, दही दिया जाता है कि भगवान को जो भोग लगे गर्मी में वो किसी प्रकार के इसका प्रभाव न पड़े। कपड़े में परिवर्तन किया जाता है, उसके बाद आरती जो होती है वो शीतल आरती, फूल की आरती की जाती है। ये हर मौसम में ऐसा ही किया जाता है, जैसे कि बालक रूप में राम है, राम जी के लिए कोई भी न उनके प्रसाद में न उनके भोग में और न उनके और व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी हो, इसलिए सब कुछ गर्मी में दिया जाता है। मतलब ये बदलते मौसम का होता है कि जैसे ठंडी पड़ती है? नहीं, ठंडी में दूसरा है, ठंडी व्यवस्था गर्मी की व्यवस्था अपना अलग अलग है। तो ये गर्मी के लिए है कि गर्मी जो ठंड वस्तु है भोग लगाने के वो गर्मी में दिया जाता है, जो गर्म वस्तु है वो ठंडी में दिया जाता है, इसी प्रकार की है उनकी व्यवस्था। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।